मासूम धैर्य परमार की हत्या के 6 दिन बाद परिस्थितिजन्य सबूत व संदेह पर राजापेट पुलिस ने शुक्रवार को धैर्य की मां नम्रता मनीष परमार को हिरासत में लिया है। शनिवार को कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। बिहार से आए धैर्य के पिता मनीष कामेश्वर सिंह परमार से पूछताछ व बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। दोस्त के पुराने विवाद को लेकर समझौता करना एक युवक को महंगा पड़ गया। सदर थाना अंतर्गत कोवा कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया। गुरुवार की रात कुछ लोगों ने चाकू और रॉड से वार कर 25 वर्षीय एक युवक की हत्या कर दी। मृतक का नाम गुलशन गोपाल कनौजिया है और वह आजाद चौक धोबीपुरा का निवासी है। मृतक अपने दोस्त अक्षय फुरसुंगे के विवाद मैटर को सुलझाने के लिए गया था, जहां अक्षय के दुश्मनों ने उसी पर ही हमला बोल दिया और चाकू से वार कर गुलशन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। समाज सेवी बाबा आमटे की पोती डॉक्टर शीतल आमटे करजगी के मौत को 5 दिन बीत जाने के बाद अब पुलिस की नजरें मुंबई में की जाने वाली फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पर है। शुक्रवार को पुलिस ने इस संदर्भ में कोई खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने परिवार के अलावा के आनंदवन के अन्य 6 लोगों के बयान दर्ज करने की जानकारी सामने आई है। शुक्रवार की दोपहर गांधीबाग जोन अंतर्गत मासूकर चौक के पास उस समय लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब मनपा के प्रवर्तन विभाग का दस्ता पूर्व उप महापौर द्वारा किए गए अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए दलबल के साथ पहुंच गया। विशेषतः हमेशा की तरह गांधीबाग जोन में होने वाली कार्रवाई के अनुसार ही दस्ता पहुंचने की संभावना के चलते कुछ अतिक्रमणकारी फुटपाथों से गायब हो गए थे, किंतु जैसे ही दस्ता पूर्व उप महापौर अशोक जर्मन द्वारा निर्मित इमारत के पास पहुंचा, कार्रवाई देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। दस्ता की ओर से कार्रवाई शुरू ही की गई थी कि संपत्ति धारक की ओर से कुछ लोगों ने विरोध कर कुछ समय देने का अनुरोध किया, किंतु नियमों के अनुसार पर्याप्त समय देने की जानकारी देते हुए दस्ते ने कार्रवाई शुरू कर दी। नगर विकास विभाग द्वारा फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश करते हुए जारी किए गए पत्र को चुनौती देते हुए काटोल नगर परिषद से मुख्याधिकारी अशोक गराटे की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अविनाश घारोटे ने राहत देने से इनकार करते हुए याचिका ठुकराने के संकेत दिए। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस ली गई। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने नगर विकास विभाग के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, किंतु अदालत ने रोक लगाने से इनकार किया। सरकार की ओर से अधीक्षक संजय टोईपोड़े ने पैरवी की। रेल प्रशासन के निर्देशानुसार मध्य रेल नागपुर मंडल से चलने वाली ट्रेन क्रमांक 02438 02437 निजामुद्दीन सिकंदराबाद सुपरफास्ट को रद्द किया गया है। निजामुद्दीन स्टेशन से छूटने वाली ट्रेन 02438 सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 दिसंबर से अगले आदेश तक रद्द की गई है। वहीं सिकंदराबाद से चलने वाली ट्रेन 02437 सुपरफास्ट एक्सप्रेस को 9 दिसंबर से प्रशासन के अगले आदेश तक रद्द किया गया है। प्रशासन की ओर से सभी रेल यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा सुनिश्चित करने तथा रेल प्रशासन की सहयोग करने की अपील की गई है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में अनिश्चितता और रुपयों में मजबूती के बावजूद स्थानीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 50 रुपए की तेजी के साथ 50,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 300 रुपए की तेजी के साथ 64,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले दिन इसका बंद भाव 64,600 रुपए था। ऑरेंज सिटी अब मॉल सिटी के रूप में तब्दील होती जा रही है। अन्य मॉल की तरह अब लोगों को एक और मॉल की सौगात विवियाना के रूप में मिलने जा रही है। प्रताप नगर के पास बनाए जाने वाले इस मॉल के निर्माण के लिए रियलेटर्स अश्विन सेठ समूह व नागपुर के सेठी समूह ने हाथ मिलाया है। मॉल के निर्माण के लिए दोनों समूह मिलकर 650 करोड़ का निवेश करेंगे। नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य एडवोकेट अभिजीत पंजारी के नामांकन भरने से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी शिक्षक संघ के विभागीय अध्यक्ष खेमराज कोंडे भी नामांकन भरने वाले थे। इसकी जानकारी मिलते ही कांग्रेस के पदाधिकारी राका नेताओं से मिलने इसके बाद कोंडे ने अपना नाम वापस ले लिया।
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में 17 लाख की हेराफेरी के मामले में मेडिकल प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सभी पहलुओं पर जांच कर रिपोर्ट वैद्यकीय शिक्षा व अनुसंधान संचालक को भेज दी है। इस मामले में लिपिक को दोषी पाया गया है। अब वैद्यकीय संचालक लिपिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।